क्या स्टोरी है पीछे की, कैसे इस फील्ड में आना हुआ, डोसा की तरफ माइंड कैसे गया। बेसिकली आई एम नॉट अ शेफ। बैचलर लाइफ में और अकेले रह रहे के खाने बनाने का शौक भी था। दुबई में इंडियंस के साथ रहते हुए ये एक ऐसी चीज थी कि जो मैंने सीखी। बिरयानी, बर्गर, फास्ट फूड हजारों की तादाद में मिलेंगे, कंपटीशन बहुत है, डोसा वाला कोई नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महामजरा। नाज़रीन, आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत यूनिक सा फूड ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। और आज का जो मैं आपको फूड एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ वो है साउथ इंडियन रेसिपी का इंडियन डोसा। हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है वो इस चीज़ को काफ़ी पसंद कर रही है। और इस वक्त जिस डोसा का रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ, ये वाहिद वो फूड कार्ट है जो इस वक्त इंडियन डोसा के हवाले से देखते ही देखते पूरे कराची पर छा गया है। और इनके पास मुख्तलिफ किस्म के डोसाज मौजूद होते हैं। कौन कौन से इनके पास फ्लेवर हैं, कौन कौन से ये जो डोसा है ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कराची के आवाम को, किस तरह से ये डोसा बनाते हैं और क्या प्राइजेज हैं, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और सारे डोसास के फ्लेवर जो इनका हॉट सेलिंग आइटम है। वो आपको टेस्ट करके बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में आज से पहले कभी भी डोसा टेस्ट नहीं किया है। तो आज आपको मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मुझे यहाँ का डोसा कैसा लगा। साकिब भाई ने हमारे सामने जितनी भी डोसों की स्पेशल वैरायटीज थी वो सारी मेरे सामने सजा दी हैं, और अभी इसको हम ट्राई भी करेंगे। पहले साकिब भाई से थोड़ी सी बात करेंगे। साकिब भाई, बताइएगा कि ये कौन कौन से डोसे आपने इस वक्त मेरे सामने सजा के रखे हुए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सबसे पहले ये मसाला डोसा बनाया है, बीच वाला जो है ये कोन शेप में ये पेपर डोसा है, और लास्ट में हमारा ट्विन डोसा है जिसको हम कहते हैं कि कम बजट में मज़ा ज़्यादा। ट्विन डोसा में हाफ में चिकन चीज़ है, हाफ में बीफ चीज़ है। तो ट्विन डोसा लोग जो है ना इकोनॉमिकल पड़ता है लोगों को, तो वो ये भी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, आपकी हर इंसान की किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी कारोबार के पीछे या किसी भी कामयाबी के पीछे एक स्टोरी होती है। आपकी क्या स्टोरी है पीछे की, कैसे इस फील्ड में आना हुआ, डोसा की तरफ माइंड कैसे गया, कि क्या आपकी लाइफ की जो है ना वो स्टोरी है जो आप देखने वालों के साथ शेयर करना चाहेंगे। मैं पिछले 20 साल से जो है गल्फ के अंदर जॉब कर रहा था। मैं दुबई में 16 साल और तकरीबन 5-6 साल सऊदीया में एक्सपो मार्केटिंग के साथ मैं एंगेज हूँ, और वहाँ पे एज एन ऑपरेशन मैनेजर मैं काम कर रहा था। मैं अब से 3-3.5 साल पहले, बल्कि 4 साल पहले पाकिस्तान आया था अपनी बेटी की शादी के लिए। तो उस वक्त कोविड बहुत उरूज पे था, तो मुझे वापसी की फ़्लाइट्स वगैरह बंद थी, तो 2-2.5 महीने फ़्लाइट्स नहीं खुली, तो मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी। उसके बाद 2-3 साल मैंने बड़ा सफ़र किया कि मुझे कंपैटिबल जॉब पाकिस्तान में कहीं नहीं मिली। बस फिर अचानक से अल्लाह मियाँ ने जहन में डाला कि बेसिकली आई एम नॉट अ शेफ, लेकिन ये है कि बैचलर लाइफ में और अकेले रह रहे के खाने बनाने का शौक़ भी था, तो वो सीखे हुए थे। तो दुबई में इंडियंस के साथ रहते हुए ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो मैंने सीखी थी। बिरयानी, बर्गर, फास्ट फूड हजारों की तादाद में मिलेंगे, कंपटीशन बहुत है, लेकिन डोसा वाला कोई नहीं मिलेगा।
ढाई बाय पांच का काउंटर लगाया था नासाबाद गोल मार्केट पे, दो महीने वहां से चलाया, अपने आप को मैच्योर किया, उसके बाद फिर ये कार्ड खड़ा किया और यहाँ पे एक साल से खड़े हुए हैं। तो हमारा मसाला डोसा जो है ये 100% इंडियन ऑथेंटिक मसाला डोसा है। कोकोनट की चटनी हमारी 100% ऑथेंटिक है और सांभर हमारा 100% ऑथेंटिक है। अब जैसे थोड़े से के बाद विंटर सीजन शुरू हो रहा है तो मेरे चार फ्लेवर और इंक्रीज हो जाएंगे, जिसके अंदर हमारा पिज्ज़ा डोसा, अल्लाह भला करे फिश डोसा, प्रॉन्स डोसा, भिंडी पनीर और मटर पनीर। ये तो बिल्कुल ये फ्लेवर जो है आपको विंटर सीजन में जो है बिल्कुल मिलेंगे और मेरे पास बहुत अच्छे चलते हैं ये। बेसिकली हमारे जो कस्टमर्स हैं ना जो डिफेंस क्लिफ्टन साइड के हैं तो उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप हमारे नज़दीक आ जाएं। तो इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली विद इन 10 to 15 days हम एक सेटअप सिंधी मुस्लिम पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं बारी बारी सारे डोसा आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। ये है ट्विन डोसा और ये कौन सा डोसा था? मसाला डोसा और ये पेपर डोसा। तो ये सारे अब ट्राई करते हैं और फिर आपको मैं बताती हूँ कि मैंने भी अपनी लाइफ में आज से पहले कोई डोसा नहीं ट्राई किया कहीं कभी। ये मेरा भी लाइफ का पहला डोसा है और अब खा के देखते हैं कि भाई ये कैसा है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक एडिशन और बताऊं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा हॉट आइटम है वो कंग फू डोसा है। अच्छा। और कंग फू डोसा के साथ चिकन और बीफ। अच्छा। ये बहुत ज्यादा सेल है इसकी। अच्छा, उसमें क्या होता है कंग फू डोसा में? बेसिकली ये फ्यूजन है ना। अच्छा। तो कंग फू डोसा के अंदर हमारे नूडल्स जले हुए होते हैं। अच्छा। और उसमें मतलब चाइनीज की रेसिपी है, देसी और चाइनीज का मिक्सचर है वो। तो मतलब पीपल लव टू ईट दैट। यहाँ पे लोग आते हैं कंग फू डोसा की डिमांड करते हैं, खत्म हो जाए तो थोड़ा सा वो करते हैं कि यार क्यों खत्म हो गया। और इसी तरीके से हमारा चिकन चीज जो है ये भी वन ऑफ द हॉट आइटम्स में से है। और ट्रेडिशनल लोग जो आते हैं, जो गुजराती भाई बहन हैं, जो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन खाने को समझते हैं, तो वो आते ही हैं और बोलते हैं मेन्यू नहीं चाहिए, मसाला डोसा ले आए। तो भाई ये है ट्विन डोसा का दूसरा पढ़ाओ जिसको हम बोलेंगे दूसरा पढ़ाओ, यानी बीफ डोसा, बीफ फ्लेवर। ट्राई करके देखते हैं, बाकी तो बहुत अच्छे थे और पर्सनली मुझे सबसे अच्छा लगा वो लगा चिकन डोसा अभी तक का। बीफ खा के बताती हूँ कि बीफ डोसा जो है मुझे वो कैसा लगता है। जो डील है ना चिकन डोसा की, ये बेस्ट डील है। इसमें आप दो अलग अलग तरीके के फ्लेवर अपनी मर्जी से ऑर्डर कर सकते हैं और ये दोनों ही फ्लेवर जो मैंने ट्राई किए हैं अभी तक दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो भाई ये ट्विन डोसा ट्राई करने लगी हूँ और ट्विन डोसा में ये होता है कि एक में आपको बीफ फ्लेवर मिलता है और एक में चिकन, उस पर में चिकन वाला जो ये कस्टमर चॉइस होती है। अच्छा, कस्टमर चॉइस। आप इसके अंदर हाफ कंकू करा लें, हाफ मसाला डोसा करा लें, सही हो गया। या कोई भी दो फ्लेवर्स को आप कंबाइन करके कर सकते हैं ट्विन डोसा में, तो बेस्ट डील है। मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ। मैं समझती हूँ कि जितने भी ये चिकन बर्गर्स होते हैं, पिज्ज़ाज होते हैं, उन सबसे बेहतरीन टेस्ट इसका है। इसमें चीज़ का टेस्ट आ रहा है, इसमें चिकन इतनी अच्छी तरह से चिकन का टेस्ट आ रहा है, अमेजिंग। ये फैन हो गई मैं। पम्पकिन होता है जिसको मीठा कद्दू कहते हैं, लौकी होती है, बैंगन होता है, गाजर होती है, भिंडी होती है, ये सारी वेजिटेबल्स के अलावा सजना की फली होती है। ये चावल और मार के दाल से बनता है। सब्जी का टेस्ट तो बहुत यूनिक है, मतलब मैं लफ्जों में नहीं बता सकती आपको, आप लोग खा कर ही इसको समझिएगा कि ये कितनी बेहतरीन किस्म की बनी हुई है इसका। अब हम ट्राई करते हैं, ये है मसाला डोसा, इसमें होते हैं आलू, ये सिर्फ आलू की फलियां कहलाती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये तो चटनी तो इससे पहले कभी नहीं खाई, कभी नहीं खाई। जी, ये हमारी लोकेशन जो है ये मस्कन चौरंगी कहलाती है। हमारे राइट साइड पे भयानी हाइट्स फ्लैट बने हुए हैं, इसके बराबर में यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 2 है।
और अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो डिस्को बेकरी आ जाएगी। ठीक है, और अपना कोई अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो उसका भी कोई हमारे मेन्यू के ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है और कार्ड के ऊपर भी जगह जगह प्रिंट हुआ हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ऑर्डर प्लेस करें। या कितने किलोमीटर की जो है ना वो दूरी तक दूर के डिस्टेंस वालों के लिए ये है कि वो बाइकिया हमारा लीगल पार्टनर है तो बाइकिया के थ्रू आप मंगवा सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी ये कि नियर बाय में हम डिलीवरी दे देते हैं क्योंकि ये डोसा सॉगी हो जाता है तो कस्टमर उस चीज को जो है ना एंजॉय नहीं कर पाता। ठीक है भाई, तो लाजमी विजिट करें आप लोग, आके डोसा ट्राई करें। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस डोसा का बहुत आउटस्टैंडिंग था और चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई थी, चाहे वो ट्विन डोसा हो या पेपर डोसा हो या फिर हमारा मसाला डोसा हो, तीनों ही चीज़ें अपने आप में ही एक बहुत अच्छा टेस्ट रखती हैं। तो आप लोग लाजमी विजिट करें, ट्राई करें और फिर ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये जो डोसा रेसिपीज हैं ये कैसी लगी। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।